हनुमान जयंती शनिवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान सेवा मंडल की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष में केडलगंज से 11वीं ध्वज यात्रा निकाली गई। यह ध्वज यात्रा होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम, बस स्टैंड, गायत्री मंदिर रोड से घोड़ा फेर चौराहा होती हुई अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान मंदिर पहुंची। ध्वज यात्रा को विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश जलूथुरिया व मदर टेरेसा होम की अनाथ बालिकाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ध्वज यात्रा में विभिन्न तरह की झांकियां, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, डीजे, प्याऊ और ध्वज वाहक सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। मंडल के संरक्षक राजकुमार गोयल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती के उपलक्ष में मंडल की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, जो केडलगंज से रवाना होकर अकबरपुर बगीची वाले हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी, जहां विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस बार ध्वज यात्रा में 501 ध्वज वाहक शामिल हैं और वहीं बाहर से आई हुई झांकियां और ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र है। श्री बगीचे वाले हनुमान जी महाराज की है 11वीं विशाल ध्वज यात्रा आज यहाँ केडलगंज से प्रारंभ की गई है, जो मुख्य बाजारों से होते हुए शाम 4 बजे तक अकबरपुर पहुँचेगी। वहाँ प्रातः से ही भंडारा चालू कर दिया गया है। यहाँ रास्ते भर में ध्वजवाहकों के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्थाएं भक्तों ने सुनिश्चित की हैं। शोभा यात्रा में अखाड़ा, घोड़े, झांकियाँ, बैंड, डीजे, प्याऊ इत्यादि शामिल हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ से पैदल चलकर 18 किलोमीटर दूर बगीचे वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर शाम को पहुँचेंगे। कितने यात्री जाएंगे? कई हजार लोग पैदल रहते हैं, जिसमें 500 से ज्यादा ध्वजवाहक रहेंगे। वहीं बूंदी में भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से शहर में विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर भर से गुजरे। वाहन रैली बालचंद पड़ा अभय नाथ महादेव से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अभय नाथ महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने वाहन रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पिछले दिनों बूंदी में निकाली गई भगवा रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, इस वजह से आज हनुमान जयंती के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद रहा। उधर पाली में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई रैली में किए गए पथराव के बाद दो समुदाय में तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि कई दुकानें और वाहन आगजनी की भेंट चढ़ गए। वहीं पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया और सुरक्षा की दृष्टि से RSA के जवान तैनात किए गए।